मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वंदे भारत से राजधानी का सफर तय कर रहे हैं। आज दूसरा सफर इनका है। सर, सबसे पहले तो आप वंदे भारत से आम लोगों की तरह सफर कर रहे हैं, एक सफर आप पहले कर चुके हैं, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज दूसरा सफर है? नहीं देखिए, मैं भाई मैं साधारण आदमी हूँ, आम आदमी भी नहीं कह सकता। आम आदमी को तो बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया आम आदमी को, तो आम आदमी कहने लायक नहीं छोड़ दे। आम आदमी कह कर उनका शोषण कर दिया, आम आदमी कह करके उनको प्रताड़ित कर दिया। आम आदमी अब ये भी कहने लायक नहीं रहा कि मैं आम आदमी हूँ। ये हालात कांग्रेस ने और ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने उनकी हालत खराब कर दी है। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी के जीवन में सुधार किया है। अगर हम देखते हैं इस प्रकार की नीति आई हैं और उन नीतियों का परिणाम ये निकला कि 25 करोड़ देश के लोग आज गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम एक मिशन मोड के अंदर नरेंद्र मोदी ने काम किया है। आम आदमी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कमीशन मोड में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में काम करती है ताकि लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, लोगों की सुविधाओं को उनके घर तक पहुंचाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम काम करते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी, आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वोट लेते वक्त तो कुछ भी सजबाग दिखाएगी, वोट लेने के बाद उनका शोषण करेगी। शोषण भी यहाँ तक करेगी कि उनको पूछे तक ये नहीं, उनके चाहे जो सुविधाएं उसके अंदर कटौती करने की बात हो। ये कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि गरीब व्यक्ति आगे बढ़े, परंतु मोदी जी की सरकार है, ये गरीब को लेकर के उनके उत्थान उनके विकास के लेकर के चिंता करते हुए उनको सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है और उसको लेकर के हम लगातार तीसरी बार देश के अंदर इसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे ताकि इस हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को और तेज किया जा सके। नॉन स्टॉप हरियाणा की बात आप करते हैं, नॉन स्टॉप घोषणाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से तमाम घोषणाएं हैं, लोगों का किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है सर इन घोषणाओं को लेकर? नहीं, लोगों का रिस्पॉन्स एक अच्छा मिल रहा है और लोग ये चाहते हैं कि ये काम होने चाहिए। आगे भी कई पाइपलाइन के अंदर काम है जो जन के हित के हैं और शीघ्र ही उन तक भी हमारी सरकार मजबूती से लाभ पहुंचाने का काम करेगी। आप लाभ देने की बात कर रहे हैं, विपक्ष आपसे हिसाब मांग रहा है, कह रहा है हरियाणा हिसाब मांग रहा है, किस प्रकार से हिसाब देंगे? नहीं देखिए, विपक्ष की एक नीति रही है थुक्को और भाग जाओ, गंद फैलाओ और दौड़ जाओ। उस नीति पे कांग्रेस काम करती है, विपक्ष काम करता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किए, लंबा समय नहीं है भाई, चलो 50 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल का, ये तो अभी 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले इनके शासन किस प्रकार का था, लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग एक बात बोलते हैं कि बेटा सोजा नहीं तो हुड्डा आ जाएगा, इस प्रकार का भय अगर किसी के अंदर है तो हरियाणा प्रदेश की जनता में कांग्रेस को लेकर के है। और कांग्रेस परिवारवाद में उलझी हुई पार्टी है, उसकी नीति स्पष्ट नहीं है, नियत भी स्पष्ट नहीं है। जब नीति और नियत स्पष्ट नहीं होती तो विकास की गति और लोगों के अंदर जो भ्रष्टाचार की गति है वो बढ़ जाती है। इनका जो तंत्र है, जिस प्रकार से ये काम करते हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, सत्ता में आने के लिए ये प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि विकास की गति तेज हो, उसको लेकर के सरकार में आने के लिए प्रयास करती है। और हमारी सरकार, मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के मान सम्मान को कभी नीचे नहीं होने दूंगा, आपके मान सम्मान को गति से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार से देश को उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम ऊँचा किया है, हरियाणा का भी पूरे देश के अंदर नाम ऊंचा करने का काम हमारी सरकार करेगी, जिसके अंदर ना भ्रष्टाचार है, जिसके अंदर युवाओं को सम्मान है, जिसके अंदर बुजुर्गों को सम्मान है, जिसके अंदर महिलाओं को सम्मान है, जिसके अंदर गरीब को सम्मान है, ये पहली बार, जिसके अंदर किसान को सम्मान है, ये पहली बार ऐसी सरकार है जो आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए नीति भी बनाती है, योजना भी बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। कांग्रेस के समय के अंदर अगर कोई घोषणा होती थी वो तीन तीन प्लान तक
घोषणा ही रहती थी, परंतु हमारे समय के अंदर अगर कोई घोषणा होती है उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। इसका एक उदाहरण 100 गज के जो प्लाट उनका आपने एक तमाम लोगों को देने का काम किया, वो पुराने समय से कांग्रेस का कहते हैं कि हमने ये प्लाट जो है वो वितरित किए थे, अब सरकार जो इनको लेटर दे रही है, इनको पोजेशन दे रही है, वो सिर्फ वो दे रही है और अपनी तरफ से कोई प्लॉट सरकार की तरफ से नहीं दिए गए, इस प्रकार की बातें। देखिए, मैं कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आपने वोट ले लिया, ये कह दिया कहीं आपका प्लाट है, प्लाट तो कह दिया ना, उस पर कागज ना उस पर कब्जा, वो चक्कर काट रहा देख रहा, अगर वो वहाँ जाए उसको खदेड़ देते हैं कुछ दबंग लोग। हमने कठोर निर्णय लेकर के कहा कि गरीब व्यक्ति को कागज भी देना है, कब्जा भी देना है, अगर कोई दबंगाई करेगा उसको सलाखों के पीछे भी डालना है, और उसका परिणाम ये निकला कि आज गरीब व्यक्ति को सम्मान से कागज भी मिले हैं, कब्जा भी मिला है, उसका मकान भी बनेगा और आगे भी बना करके देंगे। कब्जे की बात आप कर रहे हैं, गुरु चेले की सरकार, नेता प्रतिपक्ष बताते हैं कि गुरु चेले की सरकार है, प्रदेश में गुरु चेले की सरकार ने कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप कर दी, इस प्रकार के भी आरोप आप लोगों पर लगाते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? हरियाणवी आप बहुत अच्छी बोलते हैं, हरियाणवी में मैं कुछ आप कहना चाहें। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपके समय में कानून व्यवस्था थी वो कागजों के ऊपर अंकित है, उसके नंबर्स जो क्राइम का ग्राफ था। हुड्डा साहब को वो अपने सरकार के समय का कागज निकाल करके जनता को दिखाना चाहिए, हमारे भी 10 साल के उस क्राइम के कागज को निकाल करके जनता को दिखाना चाहिए, तब पता लगेगा ना, खाली झूठ बोलने से नहीं कुछ बनता। वो तो तथ्य है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको बताए। इसके समय के अंदर FIR दर्ज नहीं होती थी, हमारे समय के अंदर 0 FIR भी है कि अगर किसी पे क्राइम होता है कहीं पर भी बैठ करके FIR दर्ज कर दे तो उसको FIR दर्ज हो जाएगी। ये व्यक्तियों का विश्वास बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिक्र कर लेते हैं, बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं सर, कितना फ़ायदा इन बैठकों से होने वाला है, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, क्योंकि बैठकों से तो लाभ होता है, रणनीति बनती है, योजना बनती है, और योजनाबद्ध तरीके से हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। ये तो बापू बेटे की पार्टी है, मैं इनको ये कहना चाहूँगा बापू बेटे को कि दोनों के दो सत्ता में रहे हैं, बेटे ने तो बापू के कार्यकाल के बारे में प्रकाश डालना चाहिए और बापू को बेटे के कार्यकाल के बारे में प्रकाश डालना चाहिए कि क्या किया क्या नहीं किया, कैसे नौकरी मिलती थी, कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे किसानों की फसल को ये खरीदते थे, किस प्रकार का उनके साथ शोषण करते थे, किस प्रकार से उनको मुआवजा देते थे, बताना चाहिए। मुआवजे को लेकर भी जिक्र करना चाहेंगे, आप मुआवजा तमाम जो किसान हैं वो मांग कर रहे थे, आपने पहली कलम से उनका मुआवजा जारी करने की भी बात कही, इसके साथ साथ जो तमाम किसान हैं उनकी बेहतरी के लिए किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, क्योंकि विपक्ष किसानों के मुद्दे को भी बुनाने की कोशिश करता है, किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर भी लगातार आवाज़ उठाई गई थी। इनके पल्ला कुछ नहीं है, झूठ है, ये झूठ बोलते हैं। हमारी सरकार ने जो जो काम किए हैं ये कहीं भी उसके पासिंग भी नहीं है, उसके नज़दीक भी नहीं है। ये जिस रोड के ऊपर चल रहे हैं, इतना बढ़िया रोड बना दिया, ये फिर भी कह रहे का सरकार कोई काम नहीं कर रही। हुड्डा साहब उस रोड पर नुजारे चले और लॉसमेंट करते जा रहे, कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। अरे भले आदमी, तो जिस रोड के ऊपर चल रहा है वो तो देख ले, वो तो दिख रहा होगा भी, इतना बढ़िया रोड बना दिया तब तो कह दे भी सरकार ठीक काम कर रही है, ये क्यों नहीं बोलता? ये तो खाली इसको ये दिख रहा है भी, बस ये सपना ले रहा है कि मैं तो सत्ता में आया पड़ा और भ्रष्टाचार करूँगा, सपने ले रहा भी, इतने पैसे यहाँ से लूटेंगे, इतने पैसे यहाँ से लूटेंगे, लूट की रणनीति बना रहे हैं, या तो बाकी कुछ नहीं। एक एक्टिव जो सरकारी एजेंसियां हैं जब होती हैं तो इस प्रकार की बातें विपक्ष करता है कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे प्रदेश की बात करें चाहे देश की, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हरियाणा में एक दो जगह आपने देखा होगा पिछले दिनों में सरकारी एजेंसियों की रेड जो है वो डाली गई थी, किस प्रकार से देखते हैं, निष्पक्ष काम कर रही एजेंसियां या विपक्ष बुनाने का प्रयास कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? आज मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों को
एक भी व्यक्ति के ऊपर जिसको पर गलत रेड पड़ गई हो वो नाम दे ये, अगर ये कह रहे हैं ना भी उससे करते हैं, एक भी गलत व्यक्ति हो, ये शरीफ आदमी था, इसने तो कुछ किया नहीं, और ईडी ने इसको ठह लिया, इसको तंग कर दिया, अरे जो भ्रष्टाचार में लिपत थे ईडी तो अपना काम करेगी, वो पट्टी बंद है थोड़ी बट्टी या उनने तो पट्टी तार रखी आंखा थे, आज तो मोदी के समय के अंदर उनकी आंखें खुली हुई हैं, कांग्रेस के समय के अंदर आंखें बंद रहती थी उनकी, वो देख नहीं पाते थे, इतना दबाव था इनका उसके ऊपर। और ये तो किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके लाभ पहुंचाते थे कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है बहुत ज़्यादा उसके घर तो जाते भी नहीं थे ये लोग, परंतु आज अगर किसी ने भी थोड़ा सा भ्रष्टाचार किया है तो ये स्वतंत्र एजेंसी है, अपने आप काम कर रही है, ये तो झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा रही है। अंतिम सवाल रहेगा सर, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि नायब सिंह सैनी करनाल की जगह गोहाना से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा। हरियाणा प्रदेश है जहाँ से केंद्रीय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वहाँ से लड़ लेंगे, जहाँ से भी कहेगा जहाँ से लड़ेंगे जीत के आएंगे तीसरी बार सरकार। हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद है, उनका प्यार है, और ये बात मैं कह रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, मैं हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान को कभी नीचे नहीं होने दूंगा, उन लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा और हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री हरियाणा, इनकी तरफ से कहा कि प्रदेश के किसी भी आम इंसान के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, उनको बढ़ाने का काम करेंगे, और विपक्ष जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं तमाम आधा जो आरोप हैं वो निराधार हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी जो तमाम जो छवि बना चुका है, जो काम न करने की उनकी इमेज है उसको कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास कर रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कल्याण, हरियाणा न्यूज़ चंडीगढ़।